ओके गाइस, फाइनली ये देखो आ चुका है हमारा पैकेज जो मूवी की तरफ से आया है, और इसको हम भाई अनबॉक्स करते हैं। ये देखो गाइस, ये मीवी कोलर क्लासिक प्रो जो मेरा वाला मीवी कोलर क्लासिक का अपग्रेड वर्जन है, तो इसमें क्या क्या आता है हम पहले इसको देख लेते हैं ओपन करके। अरे खुल जा रहे भाई। ओके गाइस, ये देखो इसमें आता है ये सारा चीज़ें। तो ये बॉक्स का स्पेसिफिकेशन आप लोग देख लो। तो इसमें भाई आपको जो भी चीज़ें मिला है आप लोग भाई, इसको सारे मीवी के प्रोडक्ट्स में यही चीज़ें मिलता है जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सभी चीज़ आप लोगों को पता होगा। बस इसमें भाई अच्छा चीज़ ये है कि यहाँ पर भाई डस्ट प्रूफ है, और इसका जो बेस क्वालिटी मेरे को चेक करना है ये अच्छा है कि नहीं, और बाकी चीज़ें वो अच्छा ही होता है, साइड करते हैं। ओके, यहाँ पर मिलता है कुछ मैनुअल, यूज़र मैनुअल, जिसको आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास बहुत टाइम है। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, इसके लिए मैं इसको साइड करता हूँ। और मिलता है मूवी का कार्ड्स, एक है उनका वेलकम कार्ड और दूसरा है उनका वारंटी कार्ड। ओके, इसको हम साइड में करते हैं। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट, इसको हम बॉक्स से निकाल देते हैं। तो देखो गाइस, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, तो इसको हम निकालते हैं ऐसे, इसको ऐसे हम निकालते हैं। ओके गाइस, देखो ये है हमारा मूवी का मेन प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बैटरी शायद मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा वाला इनका ब्रांडिंग किया गया है। और बाकी ये रहा उनका कंट्रोल, जहाँ पर आप अपना वॉइस को कंट्रोल कर सकते हो, अपना साउंड, अपना पावर बटन को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप इसको चिपका सकते हो, तो आपको कुछ इस टाइप का चिपकता हुआ देखने को मिल जाएगा। और इसके पीछे की तरफ भी आपको मूवी का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही कूल लगता है, और ये आपके कानों में बहुत ही अच्छी तरीके से फीड होता है। बट अभी मेरे को ये नहीं पता है कि इसका साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी कैसा है, तो इसको अभी हम चेक करने वाले हैं। ओके, क्योंकि अभी इसको हम कंपेयर करेंगे, मेरे वाला जो मूवी कोलर क्लासिक है ना, उसके साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो ये दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा अभी हम देखेंगे, उसको साइड में करते हैं। यहाँ पर भाई बॉक्स के अंदर दो साइड में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें छुपा के रखे मीवी वाले, तो उसको भी निकालते हैं। तो गाइस देखो, ये मिलता है जो एक्स्ट्रा है, जो कभी ख़राब होता नहीं है और इसका ज़रूरत होता नहीं कभी, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। और इस साइड में आपको मिलता है एक टाइप सी का चार्जिंग केबल, जिसको आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे डालते ही आपका चार्जिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो बाकी यही तीन चीज़ें इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को देखने मिलता है। एक है हमारा नेक बैंड और उसका चार्जर, उसका कान में डालने वाला कुछ चीज़ें है जो है ये मिलता है। ओके, तो इसको हम ना अभी कंपेयर करने वाले हैं, मेरे पास मूवी का कुछ प्रोडक्ट्स पहले से है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ओके, इसको मैं अभी साइड करता हूँ। और ये देखो, ये है मूवी का पहला वाला, मतलब फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किए थे ये वाला नेक बैंड। ये शायद नेक बैंड नहीं है, लेकिन जो भी है नेक बैंड के जैसे दिखता है। तो ये मूवी का थंडर बीट्स, यहाँ पर देख लो इसका ब्रांड, मतलब ब्रांडिंग है। और इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाके भी देख सकते हो। तो भाई ये उनका पहला वाला नेक बैंड था, जो सबसे अच्छा साउंड क्वालिटी के साथ आता है, और इसमें मतलब ये हमारा जो कान होता है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से फिट होता है। तो इसमें भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बट ये ना एक चीज़ है, इसका माइनस पॉइंट ये कि अगर आप इसको कान में डाल देते हो तो आपका बाहर का साउंड बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से और ये भी बहुत ही ज़्यादा हेवी भी है, मतलब आपका कान दर्द हो जाएगा। ओके, तो इसको हम साइड करते हैं। इसके बाद आया था हमारा मूवी कोलर क्लासिक, ठीक है, ये है मूवी का कोलर क्लासिक, ये है मूवी का कोलर क्लासिक। ये देखो गाइस, ये है मूवी कोलर क्लासिक प्रो, और ये है मूवी का सिर्फ कोलर क्लासिक। ओके, तो ये दोनों का साउंड टेस्ट अभी हम करेंगे, ठीक है, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। ये है मूवी कोलर 2, जो इसका मतलब हमारा जो कोलर क्लासिक है उसका प्रो वर्जन है कोलर 2। तो ये भी बहुत ही अच्छा, मतलब इसका लुक्स एंड डिज़ाइंस भी है, और बहुत ही अच्छी तरीके से कानों में फिट भी होता है, क्योंकि इसमें रबर वगैरह लगाया हुआ है। पता नहीं ये मूवी का जो ईयरबड्स होते हैं उसमें ये रबर क्यों नहीं डालते हैं, अगर उसमें रबर डालते तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि रबर कान को फिट में रखने में हेल्प करता है।
देखो अभी टोटल हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट है मीवी का, सिर्फ मीवी का गाइस। तो ये जो दोनों है मीवी थंडर बीट्स और मीवी कोलर 2, ये दोनों अपने काम पे बेस्ट है एंड अपने साउंड क्वालिटी में भी बेस्ट है, और इसका सभी जो चीज़ें होता है वो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट ही रहेगा। तो इसको हम साइड में कर लेते हैं क्योंकि इसका तो आप लोग रिव्यू देख चुके होंगे, क्योंकि इसका साउंड और बेस क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और इसका चार्जिंग भी बहुत ही कमाल का रहता है, जो करीबन एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली आपको चार्ज उठाना नहीं पड़ेगा। तो अभी हम इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे, मीवी कोलर क्लासिक प्रो और मीवी कोलर क्लासिक। मैं अभी साउंड टेस्ट ही कर रहा था, जहाँ से मेरे को पता चला कि दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा बास तो है नहीं, ठीक है, मतलब जितना बास है सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया है बॉक्स पे, मीवी की तरफ से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मीवी कोलर क्लासिक प्रो में जो डीप एंड पावरफुल बास देखने को मिलेगा वो बिल्कुल इसमें है नहीं। इसका साउंड भी मेरे को थोड़ा सा लो क्वालिटी का लगा है, क्योंकि गाइस मीवी कोलर क्लासिक की बात करूँ तो इसमें भाई जितना बास मिलता है वो सही है, साउंड के हिसाब से सही है, और इसका साउंड का क्लैरिटी बहुत ही अच्छा है और एंड आप लोगों को क्लियर साउंड यहाँ पर सुनने को मिलता है। ये फिलहाल मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से पता चलता है कि मीवी का जो नए नए प्रोडक्ट हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। जो अभी नए नए लॉन्च कर रहे हैं उसमें बहुत सारे दिक्कतें, बहुत सारे कमियाँ भी निकल के आती है। भाई आप लोगों का पैसा है, आप डिसाइड करो आप क्या खरीदना चाहते हो, आपका डिमांड क्या है, आपका काम ये कहाँ लगेगा, उसी के हिसाब से आप खरीदो और एंजॉय करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।